न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में वर्ल्ड कप का जो मैच होगा, इसका हम इस वीडियो में इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। स्वागत है आपका परफेक्ट लाइनअप एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आप हर एक फैंटेसी मैच का पूरा इन डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। देखो, न्यूजीलैंड यहाँ पे स्ट्रांग रहेगी अफगानिस्तान के मुकाबले। न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्मेंस किया है, हम यहाँ पर न्यूजीलैंड के फेवर में जाएंगे टीम बनाने के लिए। तो चलिए यहाँ पर इस मैच का जो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मैच होगा कहाँ पर, तो चलिए वेन्यू देखते थे हम। तो ये जो मैच है होगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे। ये वही स्टेडियम है जहाँ पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ और आप सबने वो देखा ही होगा। तो आपको एक पिच बिहेवियर आपके दिमाग में होगा कि ये मैच किस तरफ जा सकता है। देखो, बैटिंग बॉलिंग को इक्वल सपोर्ट है। अगर आप स्टैंडर्ड पिच रिपोर्ट देखोगे तो अगर आप बैटिंग बॉलिंग का रेशो देखोगे, बैट्समैन को स्लाइटली यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट होता है। और अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलोगे तो आपको फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, वो है 156 का। और यहाँ पर हर इनिंग में लगभग 6 विकेट के आसपास गिर जाती है। अगर आप पेसर्स और स्पिनर्स का रेशो देखोगे तो यहाँ पर जो पेसर्स होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और थोड़ा सा नीचे चलोगे आप तो बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड का रेशो भी आपके सामने है। देखो, न्यूजीलैंड के जीतने के चांसेस अच्छे खासे रहेंगे, तो आपको यहाँ पर जो रेशो है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। हम यहाँ पर लास्ट 5 T20 मैचेस देख लेते हैं जो इस वेन्यू पे खेली गई है। तो देखो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ था, यहाँ पर पाकिस्तान ने 159 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पे, जिसे इंडिया ने चेज डाउन कर लिया था। काफ़ी ये रोमांचक मैच था, हम सब जानते हैं। उससे पहले भी एक मैच हुआ था, ये मैच थोड़ा सा लो स्कोरिंग आपको दिखाई देगा। नामीबिया ने यहाँ पे 138 रन बनाए थे और आयरलैंड जैसी टीम उसे चेज डाउन नहीं कर पाई थी। उसके पहले भी एक यहाँ पर मैच हुआ था, ये थोड़ा सा हाई स्कोरिंग था। श्रीलंका ने 188 रन यहाँ पर इस वेन्यू पे बना दिए थे और जिम्बाब्वे की जो टीम थी वो उसे चेज डाउन नहीं कर पाई थी। तो ये दोनों मैचेस थी, इसमें चेज डाउन नहीं हो पाया। और इंडिया की जो मैच हुई थी पाकिस्तान के साथ, इसमें भी काफ़ी रोमांचक मैच होने के बाद ही चेज डाउन हुआ था। थोड़ा सा चेजिंग में मुझे लगता है डिफ़िकल्टी आ सकती है। देखो, अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती तो 200 प्लस स्कोर यहाँ पर जाने के चांसेस रहेंगे। और अगर यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम पहले बैटिंग करती तो 150 से 170 का स्कोर आपको दिखाई दे सकता है, अगर अफगानिस्तान के प्लेयर अच्छा खेलते हैं तो बैटिंग में, ठीक है। नहीं तो ये स्कोर भी यहाँ पर बड़ी मुश्किल से बनेगा। अब हम यहाँ पर चलते हैं जो इस मैच का बैटिंग ऑर्डर है उसकी तरफ। तो चलो देख लेते हैं हम दोनों टीम्स की तरफ से बैटिंग ऑर्डर क्या रहेगा। न्यूजीलैंड का देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर फिन एलन ओपन करेंगे डेवन कॉर्नर के साथ, वन डाउन आएंगे केन विलियमसन। अगर आप मिडल ऑर्डर देखोगे तो इसमें ग्लेन फिलिप्स, उसके बाद मार्क चैपमैन, जिमी निशाम, मिचेल सैंटनर, इनकी तरफ से मिडल ऑर्डर होगा। और अगर आप बॉलिंग ऑप्शन देखोगे तो इसमें मिचेल सैंटनर, जिमी निशाम, ईस सूडी, टीम साउदी, लॉकी फर्ग्यूसन और ट्रेंट बोल्ट, इनकी तरफ से बॉलिंग ऑप्शन रहने वाले हैं। देखो, इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन कौन से हैं न्यूजीलैंड की तरफ से। मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड की जो पेसर्स होंगे वो आपकी टीम में होने चाहिए। इसमें ट्रेंट बोल्ट इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, टीम साउदी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप चाहो तो जिमी निशाम को भी अपनी टीम में ले सकते हो, रिसेंट फॉर्म इतना अच्छा नहीं जिमी निशाम का। बैटिंग से देखोगे फिन एलन, डॉन कॉनवे, केन विलियमसन और ग्लेन फिलिप्स, ये चारों के चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो 7 प्लेयर अगर आप न्यूजीलैंड की तरफ से ले रहे हो तो मैंने जो 7 इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो आपको बता दिए। अगर आप अफगानिस्तान की तरफ से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स देखोगे या फिर इनका प्रोबेबल प्लेइंग एलेवन हम पहले देख लेते, तो देखो यहाँ पर रहमतुल्ला गुरबाज ओपन करेंगे हजरतुल्ला दादा के साथ, वन डाउन आएंगे इब्राहिम जादरान। इनकी तरफ से अगर आप मिडल ऑर्डर देखोगे तो इसमें आपको पहले तो नजीबुल्ला जादरान, मोहम्मद नबी, उस्मान गनी, अजमतुल्ला उमर भी, इनकी तरफ से मिडल ऑर्डर होना चाहिए। अगर आप बॉलिंग ऑप्शन देखोगे इनकी तरफ से तो देखो यहाँ पर मोहम्मद नबी, उसके बाद राशिद खान, अजमतुल्ला उमर जई, मुजीबुर रहमान, फरीद मलिक, फजल फारूकी, इनकी तरफ से बॉलिंग ऑप्शंस रहेंगे। अच्छे खासे बॉलिंग ऑप्शन से अफगानिस्तान की तरफ। बॉलिंग अटैक अफगानिस्तान का काफ़ी अच्छा है, बैटिंग थोड़ी सी कमज़ोर आपको दिखाई देगी, लेकिन बैटिंग में भी कुछ ऐसे प्लेयर है जैसे मोहम्मद नबी हो गए, ये मैच पलट सकते हैं। राशिद खान नीचे से आके हिटिंग कर सकते हैं, इब्राहिम जादरान का फॉर्म अच्छा है, हजरतुल्ला जदाई की भी हम हिटिंग जानते हैं, रहमतुल्ला गुरबाज भी अपने दिन पे अच्छा करके जाते हैं। तो एक से बढ़कर एक मैच विनर इस टीम में भी है, लेकिन सिर्फ चलने की देर है। देखो, इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटिंग से हम देख लेते हैं। अब इब्राहिम जादरान, इनकी तरफ से आपके टीम में होनी चाहिए, मस्ट हैव प्लेयर, मतलब मस्ट हैव पिक होंगे क्योंकि रिसेंट फॉर्म इनका काफ़ी अच्छा चल रहा है। बाकी बॉलिंग से अगर आप देखोगे तो मोहम्मद नबी बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करके देंगे, ये भी आपकी टीम में होनी चाहिए। राशिद खान, मुजीबुर रहमान, ये दोनों आपके लिए मस्ट हैव पिक होंगे। राशिद खान का वर्ल्ड कप में फॉर्म गायब है, तो रिसेंट फॉर्म के बेसिस पे आप इन्हें छोड़ भी सकते हो, लेकिन हम टैलेंट के बेस पे जा रहे हैं तो राशिद खान हमारे टीम में रहेंगे। फजल हक फारूकी और फरीद मलिक, ये भी 3-3, 4-4 विकेट अपने दिन पे कभी भी निकाल के जा सकते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर ये भी। चलो अब हम यहाँ पर डेथ बॉलिंग देख लेते हैं दोनों टीम की तरफ से। तो देखो, न्यूजीलैंड की तरफ से ज़्यादा चांसेस है टीम साउदी और ट्रेंट बोल्ट के डेथ में बॉलिंग करा के जाए। लोकी फर्ग्यूसन की भी यहाँ पर चांसेस रहेंगे डेथ में बॉलिंग करने के। अफगानिस्तान की तरफ से डेथ में बॉलिंग कौन कराते हैं? देखो, नवीन उल्लाह खेलते तो ये डेथ में बॉलिंग करा के जाएंगे, नहीं तो फरीद मलिक और फजल हक फारूकी ये डेथ में बॉलिंग करते हुए आपको दिखेंगे। अब हम यहाँ पर चलते हैं
जो हमारे प्लेयर वाइज एनालिसिस उसकी तरफ, ये देखो पावर रैंकिंग का फीचर है परफेक्ट लाइनअप पे। देखो यहाँ पर प्लेयर्स को रैंक किया जाता है उनके रिसेंट परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे। तो इस मैच में टॉप प्लेयर्स कौन से हम देख लेते, देखो इब्राहिम जादरान, उसके बाद टीम साउदी, मिचेल सैटनर, डेवन कॉनवे, फिन एलन, मोहम्मद नबी, फैजल फारूकी और फरीद मलिक, ये काफ़ी टॉप प्लेयर्स है। इन प्लेयर्स को यहाँ पर अरेंज किया गया है उनके रिसेंट डेटा के बेसिस पे। चलिए हम यहाँ पर डेटा देख लेते, हर एक प्लेयर का आप कितना इन डिटेल डेटा यहाँ पर देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर इब्राहिम जादरान का डेटा देखते हैं। इब्राहिम जादरान यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट में इनका 44 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है, चेजिंग में 55 का हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा रिसेंट फॉर्म देखोगे इनका, तो रिसेंट फॉर्म देखो लगातार ही ड्रीम टीम में भी रहे हैं, रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है। 53 फैंटेसी पॉइंट्स, 47 फैंटेसी पॉइंट्स, 63 फैंटेसी पॉइंट्स, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो भी आपको अच्छा खासा दिखाई देगा। बाय फॉर्मेट में अगर आप T20I का डेटा देखोगे तो 32 का एवरेज आपको इनका यहाँ पर दिखाई देगा, इब्राहिम जादरान का, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इब्राहिम जादरान का पूरा रिकॉर्ड देखा, इस तरीके से आप हर एक प्लेयर का पूरा डेटा देख सकते हो। यहाँ पर रिसेंट परफॉर्मेंसेस भी आपको दिखाई दे रहे होंगे प्लेयर्स के। तो लेट्स से अब हम चलते हैं यहाँ पर अपनी स्मॉल लीग की टीम की तरफ। देखो ये हमारी स्मॉल लीग की टीम रहने वाली है। विकेट कीपिंग सेक्शन में डेवन कॉनवे और रहमतुल्ला गुरबाज को हमने अपनी टीम में लिया है। दोनों का भी यहाँ पर बैटिंग फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है। रहमतुल्ला गुरबाज इतने कंसिस्टेंट नहीं दिखाई देंगे आपको, लेकिन यहाँ पर अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आपकी टीम में ये होनी चाहिए रिसेंट फॉर्म के बेसिस पे, ठीक है। मैंने बैटिंग सेक्शन में इब्राहिम जादरान को लिया है, केन विलियमसन हमारे टीम में, और ग्लेन फिलिप्स को हमने अपने टीम में लिया हुआ है। ऑलराउंडर सेक्शन में मोहम्मद नबी, मिचेल सैटनर ये हमारे टीम में रहेंगे। और अगर आप बॉलिंग ऑप्शन देखोगे तो मुजीबुर रहमान, राशिद खान, उसके बाद टीम साउदी और ट्रेंट बोल्ट, ये चार प्लेयर हमारे टीम में रहेंगे। कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी का अगर हम देखें तो कैप्टनसी के लिए सबसे बढ़िया पिक आपके लिए जो होंगे होंगे यहाँ पर डेवन कॉनवे, ठीक है। रिसेंट फॉर्म के बेसिस पे हम डेवन कॉनवे के साथ जा रहे हैं। वाइस कैप्टन से हम इब्राहिम जादरान को ले रहे हैं। देखो इनका रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है इब्राहिम जादरान का। आप इनकी जगह पे किसी जैसे टीम सऊदी को ले सकते हो एज अ वाइस कैप्टन, या फिर ट्रेंट बोल्ट को ले सकते हो। राशिद खान भी आपके लिए ग्राइंडिंग में एक बड़ी ऑप्शन होगी कैप्टन से वाइस कैप्टनसी के। देखो रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है, लेकिन कभी भी अपने दिन पे अच्छा परफॉर्म करके जा सकते हैं, टीम को सेव कर लेते। देखो ये हमारी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको परफेक्ट लाइनअप पर ही मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे मिल जाएगा। तो जल्दी से आपको परफेक्ट लाइनअप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो उसे लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।